यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देता था। नालंदा का मुख्य एंट्रेंस हुआ करता था चारों दिशाओं में, और वहाँ पर जो गेट मैन बैठते थे इतना इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे, उनको द्वारपाल नहीं कहा जाता था, द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10% क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी, और 90 जो पूरे एशिया महादेश का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे, और उस द्वार पंडित के द्वारा